वेलकम, आइए आइए। गुड मॉर्निंग सिस्टर जी। सिस्टर को सबसे पहले तो हमारा तहे दिल से स्वागत है कि आप इतने दिनों बाद हमारे यहाँ आए हैं। आपको कैसे हम शुक्रिया अदा करें, ये किन शब्दों में करें ये हमें नहीं पता चल रहा है। थोड़ा पहले हमको आशीर्वाद चाहिए। दोस्तों, ये हमारी सिस्टर है और सिस्टर जो होती है, आइए आइए बच्चों लोग, आइए 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 आइए। आप देख रहे हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर कि हमारी सिस्टर का क्या वर्क है। थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए दोस्तों, ध्यान दीजिए ये क्या लिखा हुआ है। मदर टेरेसा तो नहीं है, लेकिन उनके नाम को जिंदा रखने के लिए हमारे पास कौन है, एक अनमोल रत्न है, एक अनमोल हीरा आया हुआ है। उस हीरा को आप देखिए कि महीजाम चितरंजन, झारखंड का एक ऐसा जगह, जाना पहचाना, शायद रेलवे का बहुत बड़ा स्टेशन है। तो आइए आइए आइए, आप यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए, उधर चले जाइए, इधर इधर आ जाइए। ये है सिस्टर प्रेमलता, सिस्टर प्रेमलता, सिस्टर प्रेमलता जी इनका नाम हो गए। पूरा लाइफ सिर्फ मानव सेवा में गुजार दी है। इनसे 4 साल पहले मिले थे साथियों, जब हम इनसे मिले तो इनसे आपको बहुत सारा सीखने का हमें मौका मिला, बहुत सारा प्रेरणा हमें मिला कि किस तरह एक इंसान दूसरे इंसान की मदद कर सकता है निस्वार्थ भाव से, और भी निस्वार्थ भाव से। ये 6 महीना बाद आई है, हमें ऐसा लगता है कि ये विदेश चली गई थी जरूर, और नहीं तो इस एरिया में रहने से, चितरंजन में रहने से लगभग महीने में तो नहीं तो कम से कम 2 महीने में हमारे पास इनका आना जाना है। मानव सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। मानव सेवा एक ऐसा सेवा है जो निस्वार्थ भाव से हमारी सिस्टर प्रेमलता जी करती हैं। ये सबके अंदर होना चाहिए। ये जज्बा अगर हो जाए तो फिर मानवता देखने लायक बन जाता है। तो कुछ कहना चाहिएगा मंच पर? हमको तो क्या कहना है, आपका वेलकम के लिए हम लोग तहे दिल से धन्यवाद। और जो भी एक्सप्लेन किए हैं सांप के बारे में, अभी कुछ नॉलेज हम लोग के लिए मिल गया है। और फिर आपने कहा है कि मानव सेवा सबसे बड़ी चीज़ है, पर हम देख रहे हैं कि आप भी तो जानवरों की सेवा कर रहे हैं, जो कि उसके बारे में आप एक्सप्लेन किए हैं। क्योंकि मानव को तो नहीं डरते हैं, मगर हम जानवर को सब डरते हैं, पर आपका कहा हुआ क्या है कि मानव तो बेसी विषैले है। क्या बात है। और मनुष्य मतलब मानव जाति ज्यादा विषैली है, ये तो जब तक उसको हार्म नहीं करेंगे इन लोग कुछ नहीं कर सकता है। तो हम लोग बहुत सारी चीज हम लोग सीख सकते हैं जिसको हम लोग नहीं भी जानते हैं। पर बहुत बहुत आपको धन्यवाद, मुबारक आपका एक्सप्लेन के वास्ते में, थैंक यू। ये देखिए, ओरिजिनल मम्मी का आशीर्वाद मिल रहा है, इससे बड़ा दुनिया में कोई आशीर्वाद नहीं है। इसलिए बूढ़े माँ बाप का कदर कीजिए, बूढ़े माँ बाप को वृद्धा आश्रम मत भेजिए, कदर कीजिए। इंसानियत जिंदा है, आप साक्षात एक देवी के रूप में प्रकट हो चुकी है हमारी सिस्टर माननीय प्रेमलता जी, जो चितरंजन से आई हुई है। इन्हीं साफ शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।